हेलो दोस्तों, तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे आस्क डॉक्टर मक्कड़ चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप देख सकें हमारी लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड एक तरह का गठिया है जो कि अपने जोड़ों को प्रभावित करता है, जिसका कि प्रमुख कारण क्या होता है, यूरिक एसिड का लेवल नॉर्मल मात्रा से ज्यादा बढ़ना। अभी यहाँ पर प्रश्न आता है कि नॉर्मल मात्रा है क्या? नॉर्मल मात्रा है 4 से 7। जब भी इसकी मात्रा 4-7 से ऊपर हो जाएगी तो ये जोड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और वहां पर इसके क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। ये क्रिस्टल नए क्रिस्टल भी जो होंगे वो पुराने क्रिस्टलों पर भी जमा हो सकते हैं और इसके साथ ज्वाइंट जो है वो अपना खुरने लग पड़ता है, जैसे जंग से लोहा खुरने लग पड़ता है वैसे खुरने लग पड़ता है, और इसके साथ अपना ऑर्गन डैमेज हो जाती है, जैसे किडनी और जो अपने शरीर के ऑर्गन है उन पर भी इसका असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड और आरए फैक्टर में क्या अंतर है? देखो, यूरिक एसिड को भी हम गठिया कहते हैं, वहीं आरए फैक्टर को भी हम गठिया कहते हैं। दोनों है तो गठिया जिसमें की गांठ बनती है। यूरिक एसिड की जो गांठ होती है उसका प्रमुख कारण यूरिक एसिड के क्रिस्टल होते हैं, वहीं आरए फैक्टर की जो गांठ होती है उसका कारण हमारे आरए फैक्टर में रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर होता है, जिसकी तरफ की जब सफेद रक्तानु आते हैं तब होते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, जब यूरिक एसिड बंदे को होता है तो उसके जोड़ों में दर्द होगा जो कि एक साइड की तरफ होगा। अगर उसके एक जॉइंट में पेन हो रहा है, मान लो एक अपना रिस्ट में पेन हो रहा है, तो उसकी दूसरी रिस्ट में सेम टाइम पर पेन नहीं होगा। वहीं अगर किसी को गठिया जा आरए फैक्टर हो रहा है, उसे सेम टाइम पर सेम जॉइंट्स में प्रॉब्लम हो रही होगी, जैसे उसकी अगर एक हिप में पेन है तो दूसरी हिप में भी सेम टाइम पर पेन होगी, तो जॉइंट एक टाइम पर और सिमेट्रिकल होंगे। मान लो अगर उसकी हिप में पेन हो रहा है तो उसकी दूसरी हिप में ही होगा, अगर उसकी नी में पेन हो रहा है तो दूसरी नी में ही होगा। वहीं यूरिक एसिड में ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके पैर के टो से शुरू होते हैं जिसे कि हम बनियन कहते हैं, और ये होते होते दूसरे ज्वाइंटों में जाती है। ये जरूरी नहीं कईयों की सिर्फ दाईं तरफ हो रही होती है, कईयों की सिर्फ बाईं तरफ हो रही होती है, तो यूरिक एसिड और गठिया में ये बहुत बड़ा अंतर है। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड कितने प्रकार का होता है? यूरिक एसिड मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, अक्यूट, क्रोनिक और इंटरक्रिटिकल पीरियड। जो अक्यूट पीरियड होता है, एकदम से यूरिक एसिड बढ़ा जिससे कि पेन शुरू हुई, ये पेन इतनी खतरनाक होती है कि पेशेंट कई बार रोना भी शुरू कर देता है। जैसे आप यूरिक एसिड जब वात वाली चीजें रात को खाकर सोए, आधी रात को ये पेन शुरू होगा, जिसके कारण क्या होगा, एक बेडशीट भी जो आपके पाँव को टच कर रही है वो भी आपको इतना अत्याधिक पेन करेगी कि आपकी नींद उड़ जाएगी। वहीं इंटरक्रिटिकल पीरियड होता है जिसमें कि यूरिक एसिड बढ़ रहा है मगर आपको पता ही नहीं लग रहा, ये बहुत खराब चीज़ है, क्योंकि इन चीज़ों में किडनी पर असर पड़ जाता है और किडनी पर इसका प्रेशर पड़ता है। वहीं क्रोनिक पीरियड वो होता है जब यूरिक एसिड लगातार बढ़ता रह रहा है, होली होली प्रोग्रेसिवली स्लो स्लोली ग्रेजुअली वो बढ़ रहा है और वो जोड़ों में इकट्ठा हो रहा है, जिसके कारण की पेन के अटैक आते हैं, जिसमें कि अक्यूट अटैक आता है, फिर जाता है, फिर अक्यूट अटैक आता है। इसके कारण जोड़ों में गांठें, जेटोफाई जिसे हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, वो बन जाती हैं। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड का पाचन प्रणाली से क्या लेना देना है? देखो, यूरिक एसिड का अगर हम मेन कहें, मेन लेना देना ही पाचन प्रणाली से है। यूरिक एसिड 2 कारणों की वजह से बढ़ता है, ज्यादा खाने से या किडनी इसको निकाल नहीं पा रही। देखो, यूरिक एसिड अभी प्रोटीन का पार्ट है, प्रोटीन डाइजेशन का पार्ट है। अगर आपके शरीर प्रोटीन को प्रॉपर मेटाबोलाइज कर ले, अच्छी तरह से प्रोटीन को पचा ले, तो ये नहीं बढ़ेगा। यूरिक एसिड में क्या होता है, जो आपके अमीनो एसिड होते हैं, जो पुरीन होते हैं, वो टूट कर यूरिक एसिड नाम का प्रोडक्ट बनाते हैं। जो ये यूरिक एसिड पुरीन से आ रहा है, ये पुरीन 2 तरफ से बन रहे हैं, या तो आपके शरीर के सेल टूट रहे हैं या आप खा ज़्यादा रहे हो। देखो, बुढ़ापा तो हर व्यक्ति को आना है, आज भी आना है, कल भी आना है। बुढ़ापे को मैं नहीं रोक सकता, आप नहीं रोक सकते। आप रोक किसको सकते हो? अपने खाने पीने को। खाने पीने में आपने
प्रोटीन कम खाने हैं, क्योंकि प्रोटीन सीधा ही पुरीन लेवल बढ़ाएंगे, पुरीन सीधा ही यूरिक एसिड लेवल बढ़ाएगी। तो खाने पीने में अभी अभी हम देखें तो अगर हम प्रोटीन कम खाएं तो अपना यूरिक एसिड लेवल अपने आप ठीक होने लग पड़ता है। इसलिए ये पाचन शक्ति ठीक करना भी बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड का रोग प्रतिरोधी शक्ति से क्या लेना देना है? देखो, यूरिक एसिड का रोग प्रतिरोधी शक्ति से सीधा तो कोई लेना देना नहीं है, मगर असीधे तौर पर इसका बहुत महत्वपूर्ण लेना देना है। जब भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है और ये छः सात से ऊपर जाता है, तो ये जो ब्लड है जो कि आपका एल्कलाइन है उसको एसिडिक कर देता है। जब ब्लड एसिडिक होगा तब भी इसका असर WBC और RBC पर पड़ेगा। और दूसरा, ये इनकी यूरिक एसिड के क्रिस्टल की जो शेप है वो होती है अपना पिन के टाइप की, जो पिन होती है ये पिन की तरह होता है। इसलिए अगर ये RBC में जाएगा, RBC तो एक गेंद की तरह है, वो अगर ये वहां जाकर बजेगा तो ये इसको पंक्चर करेगा, तो क्रोनिकली ये ESR बढ़ाएगा, इसे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कहते हैं, वो बढ़ने लग पड़ता है। और WBC क्या है, जब ये बार बार जाकर उसे प्रिकल करेगा तो WBC इससे इरिटेट हो जाएंगे, WBC को लगेगा यार इसको हम अपना शरीर से निकालें, मगर ये बैक्टीरिया तो है नहीं कि WBC साथ के साथ खा लें। अब ये WBC जहाँ ये जाकर अटैच हो रहा है, इसकी एक प्रवृत्ति होती है, ये जोड़ों में जाकर अटैच होता है, जैसे कि लोहे को जंग लगता है, ये जोड़ों को एक तरह जंग की तरह लग जाता है। जहाँ ये लगता है वहाँ WBC अट्रैक्ट हो रहे हैं, WBC वहां पर एंटर हो रहे हैं, वो क्या करते हैं मांसपेशियों को फाड़ने लग पड़ते हैं और मांसपेशियां फट जाती हैं। जब वो फट जाती हैं तो पेन भी वैसे करते हैं, इसलिए यूरिक एसिड के पेशेंट को बहुत बुरी पेन होती है, उसको ऐसा लगता है जैसे मांसपेशियां फट जाएंगी, दर्द बहुत भयानक होता है, पेशेंट रोने भी लग पड़ते हैं। तो अपना इम्यून सिस्टम डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली बहुत हद तक यूरिक एसिड की पेन बढ़ा देता है। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड में क्या खाना पीना चाहिए? यूरिक एसिड में आपको जितना हो सके प्रोटीन से दूर रहना चाहिए। प्रोटीन जब वात रोग, वात होता है कोई भी चीज जो आपके पेट में जाकर गैस करती है, जो आपका हाजमा खराब करती है, तो अगर आप वात वाली चीजें ना खाओ आदि बीमारी तो वहीं पर ठीक हो जाएगी। अभी वात में प्रमुख चीजें वही होती हैं जो लोग खाना पसंद करते हैं, जैसे कि आपको शिमला मिर्च नहीं खानी चाहिए। आजकल शिमला मिर्च मॉडर्न लाइफस्टाइल में बहुत चल रही है, चिल्ली पनीर, चिल्ली चिकन बहुत ज्यादा लोग लाइक करते हैं। ऐसे ही आपको अपना गोभी कम खानी चाहिए। गोभी अगर आपको खाने की फिर भी इच्छा ज्यादा होती है, आप इसकी जगह आप ब्रोकली खा लो, ब्रोकली फिर भी अल्कलाइन होती है। इसके अलावा अगर हम तीसरी अपना आपको कहें कि तीसरी कौन सी सब्जी है, वो है साग। ये चाहे सरसों का साग है, चाहे पालक का साग है, ये आपने बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि इससे आपके यूरिक एसिड लेवल अक्यूटली बढ़ जाता है, क्योंकि साग को पचाना बहुत मुश्किल होता है। जानवर ही इसको पचा पाते हैं, क्योंकि जानवर के पास एक स्टमक नहीं है, उनके पास 2 से 3 स्टमक है, और उसको जुगाली करके वो बार बार खाते हैं तो वो पचा लेते हैं। वहीं पर ये तीन तो हमने हरी सब्जियों में सब्जियां नहीं खानी, इसके बाद हमने दालें बिल्कुल नहीं खानी जब तक यूरिक एसिड बढ़ रहा है। सफेद चने, काले चने, राजमा, सोयाबीन से भी परहेज करना है। इसके बाद क्या है कि दूध हम पी सकते हैं, दही लस्सी से हमने दूर रहना है। ये प्रमुख चीजें हैं जो आपको यूरिक एसिड लेवल खराब करेंगी। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड के क्या लक्षण है? यूरिक एसिड का देखो प्रमुख लक्षण तो ये है कि जोड़ों में अपना वहां पर सोजस आ जाएगी, वो जोड़ लाल होंगे, अगर हम उसको छुएं तो हमें गर्म महसूस होंगे। इसमें और क्या है कि आपको वीकनेस, थकावट, बेचैनी महसूस होगी, आपको काम करने की कोई इच्छा नहीं होगी, थोड़ा सा भी काम करोगे शरीर थक जाएगा, क्योंकि ये यूरिक एसिड लेवल लैक्टिक एसिड की तरह काम करेगा। अगर कोई बंदा जिम जाता है पहले दूसरे दिन तो वो तो अच्छा काम कर पाएगा, तीसरे चौथे दिन वो जिम जो पेशेंट जा रहा है या जो बंदा जा रहा है वो एक पेन भी नहीं उठा पाएगा। ऐसे ही जिन लोगों में यूरिक एसिड लंबे टाइम पर बढ़ रहा है उनमें
शरीर की मांसपेशियां वीक हो जाएंगी, कोई भी काम करेंगे बहुत जल्दी थक जाएंगे। ये एक प्रमुख लक्षण है, बहुत डॉक्टर इसको समझ नहीं पाते कि ये पार्ट ऑफ यूरिक एसिड है। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड में एलोपैथी कैसे खराब करता है? यूरिक एसिड में देखो, एलोपैथी दवाइयां एक तो कोई प्रभावी ऐसे नहीं करती, क्योंकि एलोपैथी दवा सिर्फ यूरिक एसिड को निकालने का काम कर रही है। उसमें वो क्या कर रही है, वो अपना एक तो वो डाइट नहीं बता रहे कि किस चीज खानी चाहिए क्या चीज नहीं खानी चाहिए, वो डॉक्टर पास इतना टाइम ही नहीं होता। वो क्या करते हैं, वो अपना दवा देते हैं जिससे कि अपना पुरीन है वो अपना पुरीन की आगे जो यूरिक एसिड बनना रुक जाए, वो अल्टरनेट प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि किडनी के थ्रू निकलता है, जो कि लंबे टाइम पर वो भी किडनी पर असर डाल देता है। वहीं पर होम्योपैथी क्या करती है, ये पुरीन को यूरिकेस की ब्रेकडाउन में नहीं कन्वर्ट करती, ये बल्कि नॉर्मल मेटाबॉलिज्म की तरफ ले जाकर उसको ठीक करती है। जो लोग एलोपैथी में एंटी हाइपरटेंसिव बीपी की दवाइयां खा रहे हैं जो कि डाययूरेटिक है, जो कि ज्यादा पेशाब लाती हैं, उनसे भी यूरिक एसिड उनका बढ़ रहा है, क्योंकि शरीर में यूरिक एसिड डाययूरेटिक दवाइयों से बढ़ने लग पड़ता है। दूसरा, जो लोग पेन किलर खा रहे हैं जैसे कि एस्पिरिन वगैरह खा रहे हैं, उनसे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। वो दवाइयां हमको आराम एक बीमारी में तो दे रही है, मगर दूसरी बीमारी बढ़ा रही है। अगर बंदे को एक बीमारी ठीक हो जाए और दूसरी हो जाए, वो कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर साहब, यूरिक एसिड में होम्योपैथी कैसे मदद करता है? यूरिक एसिड में देखो, होम्योपैथी सबसे पहले तो आपको, होम्योपैथ का सबसे पहला काम होता है आपको समझना, आपके किरदार को समझना, आपके जीवन के लाइफस्टाइल को समझना। जो बंदे रोटी खाकर बैठ जाते हैं, जो जिन लोगों का बैठने का काम है, उनकी पाचन शक्ति वैसे ही वीक हो जाती है, उनको पाचन शक्ति उनकी इम्प्रूव करनी पड़ती है। ऐसे ही कई लोगों के बीच में इमोशनल फैक्टर होते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ापन करते हैं। जो लोग गुस्सा चिड़चिड़ेपन में रहते हैं, उनके बॉडी के एंजाइम चेंज हो जाते हैं, जब बॉडी एसिड प्रोडक्शन ज़्यादा कर देती है। अगर बॉडी एसिड ज़्यादा बना रही है तब भी डाइजेशन खराब होगा, अगर बॉडी बैक्टीरिया कम बना रही है उससे भी होगा। होम्योपैथी आपके लक्षण पर जाते हैं, हर बंदे के लक्षण ढूंढती है कि हाँ उसको क्यों हुआ, उसके लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम क्या है। कई लोगों के तो सिर्फ लाइफस्टाइल में डाइट का ही रोल होता है, जैसे जो लोग मार्केटिंग में रहते हैं वो 90% होटल से खाना खाते हैं। होटल का खाना तो आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ाएगा ही, तो होम्योपैथ ना केवल आराम देने की तरफ फोकस करता है, वो उसके पेशेंट के आते भी ढूंढता है। इसलिए होम्योपैथी में अलग अलग मरीजों की अलग अलग दवाइयां होती हैं। हम कुछ दवाइयों के बारे में आज डिस्कस करेंगे जो कि आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करेगी, आपकी पाचन शक्ति को इम्प्रूव करेगी और आपकी किडनी की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगी, ताकि किडनी अपना वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से निकाल सके। तो इसमें सबसे पहली जो दवा हम डिस्कस करेंगे वो लाइकोपोडियम है। लाइकोपोडियम प्रमुख दवा है अगर आपको क्रोनिक गाउट है, और क्रोनिक गाउट लाइकोपोडियम में होने के साथ क्या होता है, ये लोगों में मानसिक ताकत तो होती है मगर शारीरिक ताकत नहीं होती, शारीरिक तौर पर ये लोग वीक होते हैं और इनको हमेशा पेट की समस्याएं रहती हैं। इनको लोअर एब्डोमेन में गैस ज्यादा महसूस होती है और इन लोगों को मीठा खाने की प्रवृत्ति थोड़ी सी ज्यादा होती है। जब ये लोग यूरिन करेंगे तो इनकी यूरिन में अपना क्रिस्टल निकल कर आते हैं जो कि अपना रेड कलर के होते हैं, रेड क्रिस्टल होते हैं और खून भी आ जाता है। इन केसेस में लाइकोपोडियम प्रमुख दवा है। इस दवा में एक और प्रवृत्ति है, सुबह सुबह इनको को अच्छा लगेगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेगा शाम होगी 4 से 8 बजे इनको बहुत ज्यादा भूख लगनी शुरू हो जाएगी। वहां पर अभी हम दूसरी दवा का नाम लेंगे जो कि कोल्चिकम है। कोल्चिकम अगर हम देखें तो अंग्रेजी दवाओं में गाउट की ये प्रमुख दवा है, मगर होम्योपैथी के में इसके लक्षण हम ढूंढते हैं। तो होम्योपैथी में हम किन ज्वाइंटों में कोल्चिकम देते हैं, हम उन ज्वाइंटों में कोल्चिकम देते हैं जहां ज्वाइंट में सोजस हो, लाल हो, वो गर्म हो, वो सूजा हुआ हो, और इन लोगों को खाना देखते सार ताई आए, नोजिया हो और खाना खाने की इच्छा ना हो, में खाना की स्मेल भी ना इनको सह हो। गाउट इनकी जो होता है पैर के अंगूठे में सेटल हो जाता है या एड़ियों में सेटल हो जाता है। अगर ये थोड़ा सा भी तुरेंगे
तो इनको पेन महसूस होगी और इनको स्टमक में अपसेट महसूस होगा। तो इन केसेस में कोल्चिकम प्रमुख दवा है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट दवा का नाम ले रहे हैं वो है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में इसको ऐसे लगेगा जैसे ज्वाइंट फट रहे हैं। इन लोगों में एक प्रमुख चीज है, जब भी इनको यूरिन ज्यादा आएगा इनके जोड़ों का दर्द खत्म हो जाएगा, जब यूरिन कम आएगा तो इनका जोड़ों का दर्द बढ़ जाएगा। तो उन केसेस में आप बेंजोइक एसिड नाम की दवा यूज कर सकते हो। इसके बाद जो नेक्स्ट दवा है उसका नाम है लीडमपाल। जो लीडमपाल जो दवा है ये उन मरीजों की दवा है जो दारू ज्यादा पीते हैं और दारू पीने के कारण इनके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ये लोअर लिम से ऊपर की तरफ, नीचे से ये ऊपर की तरफ दर्द जाते हैं, पाँव से ये शुरू होते हैं, करते करते पूरी बॉडी में चले जाते हैं। इनमें जो पाँव का अंगूठा है उसमें सोजस होती है, वो बहुत ज्यादा नीले रंग का होता है। उसे अगर आप हाथ भी लगाओ तो वो हाथ लगाने में ठंडा होगा। यहीं पर अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो कोल्चिकम का गर्म होगा। तो ये अपना लीडमपाल के प्रमुख लक्षण है। अगर हम डिफ्रेंशिएशन करने में जाएं तो हम देखेंगे कि इन्हीं दवाओं में थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़े फर्क थे। अभी हमने कुछ ही दवाइयां यहाँ पर डिफ्रेंशिएट की हैं। होम्योपैथी में बहुत दवाइयां हैं, हर दवाई के बारे में हम एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते। अगर आपने इलाज कराना है आप किसी अच्छे होम्योपैथ के पास जाओ, आप हमारा नीचे लिंक है, आप हमें भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो या हमें भी फोन कर सकते हो। मगर कभी भी आप कोई भी दवा खुद मत लो। अभी आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टाइम हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। ये आपको कोई और टॉपिक पे के बारे में जानना है तो आप हमें नीचे मैसेज करो, कोई इसी टॉपिक से कोई क्वेश्चन है वो आप नीचे पूछ सकते हो। यहाँ बेल बटन लगा हुआ है, आप उसे दबा दीजिए, कोई भी नया वीडियो आएगा वो आपको पता लगेगा। सब्सक्राइब का बटन है वो जरूर दबा देना, क्योंकि उसके जरिए आपको हम इन फ्यूचर में भी मिल पाएंगे, वरना ढूंढना मुश्किल होता है जो नई वीडियो आती है। ओके जी, बाय।